मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10th IIT में यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस में सेशन नंबर 3 रिलेशन विद मल्टीपल टेबल्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप संबंध क्या स्थापित कर सकते हैं। इसमें देखिए, हमने दो टेबल्स इसके अंदर बनाएंगे। एक तो आपकी इवेंट टेबल है और इवेंट कैटेगरी की टेबल है। इवेंट और इवेंट कैटेगरी की टेबल बनाई जाएगी और इसमें जो इवेंट टेबल है वो हमने पहले से इसके अंदर बना के रखी हुई है। लिब्रे ऑफिस बेस खोलेंगे, उसके अंदर इवेंट टेबल बना लेंगे। ये हमारी इवेंट टेबल है। इवेंट टेबल में इवेंट आईडी हमने फील्ड नेम लिया हुआ है, उसके बाद इवेंट नेम लिया हुआ, फिर डेट लिए, विनर लिया हुआ, पॉइंट्स और इवेंट और कैटेगरी आईडी। इसमें जो इवेंट आईडी है उसको हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। इवेंट आईडी जो फर्स्ट फील्ड है उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है। उसके बाद इवेंट नेम है E001, उसके बाद 100 मीटर बॉयज 12:30, किस डेट को हुआ इवेंट ये और किस बच्चे ने किया, कितने पॉइंट्स उसने अर्न किए और उसकी कैटेगरी आईडी क्या है। तो एक तो हमने इवेंट टेबल बनाई है। इवेंट टेबल को डिज़ाइन व्यू में अगर देखना है तो राइट क्लिक करके इसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन व्यू में जैसे इवेंट आईडी है इसको हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक की नज़र आ रही है आपको, इसका मतलब ये प्राइमरी की है। मतलब प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिकली रिकॉर्ड फाइंड करना है इस टेबल में से। उसके बाद इवेंट नेम है, टेक्स्ट वेयर कैर, इसके डाटा भी आगे लिया हुआ है। इवेंट आईडी का टेक्स्ट वेयर कैर है, में नंबर और कैरेक्टर दोनों ले सकते हैं। ऐसे इवेंट नेम है, डेट डेट टाइप कर लिया, विनर पॉइंट्स लिया, न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में आएगा। उसके बाद कैटेगरी आईडी ली हुई है। अब जो कैटेगरी आईडी, जो कैटेगरी आईडी है फॉरन की है, मतलब दूसरी टेबल बनाएंगे उसके अंदर वो प्राइमरी की के रूप में जानी जाएगी। उसका जो एक रिकॉर्ड होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी फॉरन की, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, लेकिन जहाँ पे इसको एज ए प्राइमरी की लिया जाएगा उसके अंदर सिंगल वैल्यू यूज़ की जाएगी। यहाँ मल्टीपल मतलब वहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मल्टीपल इस वैल्यू अगेंस्ट रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो इसको कैसे देखेंगे, नीचे इसके एट्रीब्यूट भी हम सेट कर लेंगे जो भी हम करना चाहते हैं। एक तो इवेंट की टेबल बना ली है, एक इवेंट कैटेगरी की बनाई। इवेंट कैटेगरी में कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम है और टीचर इंचार्ज। अब देखेंगे आप जो कैटेगरी आईडी हमने ली हुई है जो इवेंट टेबल के अंदर, उसका जो डाटा टाइप है, और इस टेबल के अंदर इवेंट कैटेगरी में जो कैटेगरी आईडी हमने ली है इसको हमने प्राइमरी की माना है और इसका भी डाटा टाइप सेम रहेगा। तो जो ये जो कैटेगरी आईडी है इवेंट कैटेगरी टेबल के अंदर, ये प्राइमरी की हमने इसको बनाया हुआ है। इसको चेक करने के लिए फिर राइट क्लिक करके एडिट व्यू में देख सकते हैं आप। डिजाइन व्यू में देखेंगे तो प्राइमरी की बनाया हुआ है, और ये प्राइमरी की जो दूसरी टेबल है हमारी इवेंट टेबल, इसमें फॉरन की के रूप में हम इसको मानेंगे। मतलब दोनों का डाटा टाइप सेम रहेगा लेकिन यहाँ मल्टीपल वैल्यूज होंगी। जैसे इसको चेक करने के लिए आप इवेंट कैटेगरी में देखेंगे, इवेंट कैटेगरी में C01 सिंगल वैल्यू है, इसमें यूनिक वैल्यू है C02 C003, मतलब सिंगल यूनिक वैल्यू आएगी इसके अंदर, एक जैसी वैल्यू बार बार नहीं आएगी। ऐसे ही जब इसमें देखें, इवेंट में देखें, मतलब इस इवेंट के गेस्ट, ये जो इस इवेंट की जो कैटेगरी आईडी है इसमें C01 C01 C01, मल्टीपल एक से ज़्यादा बार यही वैल्यू प्रयोग की जा रही है अलग अलग इवेंट आईडी के लिए। जैसे 100 मीटर बॉयज़ है, 100 मीटर गर्ल्स है, 800 मीटर बॉयज़ अलग। अब इन दोनों का अगर हमने रिलेशन बनाना है, वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा, तो ये प्राइमरी की के ऊपर ही बनेगा। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम टूल्स मेनू में जाएंगे। टूल्स मेनू जाने के बाद रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले से बना हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं हम। तो हमें ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे ऐड पे, तो ऐड टेबल्स का आएगा। तो इस इवेंट टेबल हमने सेलेक्ट करनी है जिससे रिलेशन बनाना है। इवेंट टेबल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इवेंट कैटेगरी टेबल सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों में रिलेशन स्थापित करना है, दोनों टेबल्स के बीच में। तो रिलेशन तभी स्थापित होगा तो दोनों के अंदर, अगर दोनों के अंदर जो फील्ड है सेम टाइप की होगी और सेम वैल्यू होगी उसके अंदर।
लेकिन एक टेबल में मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं दोनों टेबल के सेम फील्ड की। तो जैसे कैटेगरी से बनाने, कैटेगरी आईडी से मैनी टू वन बनाना है, तो इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते हुए जहाँ ये कैटेगरी आईडी है दूसरी टेबल में, जहाँ प्राइमरी यूज के ऊपर छोड़ दें, ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन का मतलब ये है यहाँ पे प्राइमरी की है, और नीचे एन लिखा हुआ, एन इंडिकेट करता है जी यहाँ पे फॉरन की है। तो दोनों का ये लिंक बन गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आप दोबारा टेक्स्ट बुक में जाते हैं, टेक्स्ट बुक में आप इसको समझ सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा डाटा है, इसमें जो हमारी टेबल है, इवेंट्स टेबल है, उसके अंदर कैटेगरी आईडी है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें कैटेगरी आईडी की एक एक से ज़्यादा बार सेम वैल्यू है, मतलब अलग अलग कैटेगरी आईडी है। जो एथलेटिक्स, जो एथलेटिक है, जो सेकंड टेबल है आपकी इवेंट कैटेगरी, उसमें जो कैटेगरी नेम एथलेटिक्स है, उस एथलेटिक के अगेंस्ट काफ़ी सारी गेम्स होती हैं, जैसे लॉन्ग जंप गर्ल्स होती हैं, लॉन्ग जंप बॉयज़ होती है, 100 मीटर बॉयज़, 100 मीटर गर्ल्स, ये सारे आपके एथलेटिक्स में आते हैं, मतलब सिंगल कैटेगरी आईडी के अंडर आते हैं। तो सिंगल कैटेगरी में काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, तो काफ़ी सारे इवेंट है, ऐसे वन टू मैनी हो गया, मतलब जो वन हो गया, एक वन वैल्यू है आपकी इवेंट कैटेगरी की, उसके मल्टीपल जो इवेंट आईडी है उसके गेस्ट, मतलब मैनी टू, वन टू मैनी आपका इसमें रिलेशनशिप स्थापित हो जाएगा। तो जो इसमें इवेंट नाम की जो टेबल है, उसके अंदर जो कैटेगरी आईडी जो फील्ड है, जैसे फॉरेन की यूज़ की जा रही है, उसको रेफरेंसिंग फील्ड के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ से ये फॉरेन की, जहाँ से इस फॉरेन की को यूज़ किया गया है एज ए प्राइमरी की इस टेबल के अंदर, उसको रेफरेंस फील्ड के नाम से जाना जाएगा, उसको रेफरेंस फील्ड बोलते हैं।